साथियों, मैं ज्योतिर्विद पवन कुमार, मेरा सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, मेरा प्रयास रहता है कि जो सच्चे ज्ञान के बारे में खोज मैंने की है उसको आप सबके साथ शेयर करूं। आज ज्ञान की कमी नहीं है, बिखरा पड़ा। इंटरनेट के कारण तो इतनी सहूलियत हो गई है, घर बैठे आप किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में काफ़ी विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हो। लेकिन जब आध्यात्मिक ज्ञान की बात आती है, स्पिरिचुअल नॉलेज, उसमें गहन अध्ययन और अपने अनुभव द्वारा ही सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। बहुत जगह पे भ्रमात्मक, आपको गलत दिशा में ले जाने वाला ज्ञान बहुत पड़ा है। तो जिस सच्चे ज्ञान की खोज मैंने की अपने स्टडी द्वारा, अनुभव द्वारा, और उससे मुझे भी लाभ हुआ, मैं चाहता हूं कि इस चैनल में मेरे जो वीडियोस हैं उनके द्वारा वो सारा सच्चा ज्ञान, स्टीक ज्ञान, प्रिसाइज एक्यूरेट नॉलेज आप सबके साथ शेयर करूं, ताकि आपके भी जीवन में ज़्यादा सफलता, खुशी और प्रॉस्पेरिटी आए। तो इस वीडियो में, आज अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आप पूरा देखेंगे और इस पे जब विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि भाई ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं और बड़ी सटलता है, सूक्ष्मता है इनमें। तो अगर ये चीज़ें आप फॉलो करोगे तो आपके जीवन में भी अच्छा बदलाव होगा, अधिक सफलता होगी। सफलता केवल आध्यात्मिक में नहीं, इन बातों को फॉलो करने से आपको सफलता अपने भौतिक कार्यों में भी मिलेगी, आपके करियर में, आपकी स्टडी में, सब चीज़ में। क्यों? कि ये वीडियो है मन के बारे में, और मन के बारे में तो कई कहावतें हैं, सुनी होगी, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, कई कहावतें हैं। और ये भी कहा गया है कि मन जो है बड़ा शक्तिशाली है। आइए आज इस वीडियो में इस विषय पर हम चर्चा करते हैं। और फिर मैं इस वीडियो में तिब्बत के महान संत श्री लोबसंग रामपा जी द्वारा दी गई एक प्रार्थना, जो हमारे अवचेतन मन के लिए है, बहुत ही कारगर है, वो भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम द्वारा आपसे शेयर करूंगा। साथियों, हमारा जो मन है इसके तीन स्तर हैं, तीन लेवल्स हैं। एक तो है चेतन मन, जिसके बारे में आप सभी जानते हो, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, आप हो जागृत अवस्था में जब हैं और हम सोचते हैं, कार्य करते हैं, तो ये मन हमारा जो है वो चेतन मन है, चेतन मन की अवस्था है, कॉन्शियस माइंड। दूसरी अवस्था है जो कि निरंतर है, चेतन मन के नीचे निरंतर है वो, ये नहीं कि कभी है कभी नहीं है। चेतन मन तो जब हम जागृत हैं तब है, लेकिन अवचेतन मन, सब कॉन्शियस माइंड, नित्य है, हमेशा है। बल्कि जब आप का ये शरीर आप सो जाते हो नींद में, तब भी वो कार्यरत रहता है, 24 घंटे वो कार्यरत है, उसके अपने कार्य हैं। तो वो है सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। अब आपने इसके बारे में सुना भी होगा काफ़ी, और मेरे भी वीडियोस हैं, तो जगह जगह ये कहा जाता है कि भाई सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही पावरफुल है, अवचेतन मन बहुत शक्तिशाली है। क्यों? ये लोबसंग रामपा जी ने लिखा कि हमारी जो चेतना है ना, वो कॉन्शियस लेवल पे केवल 10% है, 10%, और अवचेतन मन में, मन के लेवल पर जो हमारी कॉन्शियसनेस है, चेतना है, वो 90% है। कितना पावरफुल है। और अगर ये अवचेतन मन को आप टैप कर सको, उसको
जागृत कर सको, यानी कि उसको जब आपका ज़रूरत हो उसको कांटेक्ट कर सको या उसमें अच्छे संस्कार पैदा कर सको, तो कितने शक्तिशाली हो सकते हो आप, इमेजिन कीजिए। अगर किसी मनुष्य की चेतना कॉन्शियसनेस 10% जो आम है उससे थोड़ी भी अधिक हो जाती है, 12% हो जाती है, 15% हो जाती है, तो वो जीनियस कहलाता है। इस संसार में जो जीनियस व्यक्ति हुए हैं, साइंटिस्ट हुए हैं, उनकी चेतना का लेवल 10% से ऊपर था, उनके संस्कारों के कारण, उनके कर्मों के कारण, या जो नीति थी उसके कारण, या उनके अपने मानसिक लेवल पे जो उन्होंने कुछ मेडिटेशन की या ध्यान किया या परिश्रम किया उसके बेस पे। तो सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है, क्योंकि इसके अंदर जो संस्कार हैं, अब संस्कार क्या चीज़ है, जो पिछले हमारे जितने भी विचार और कार्य रहे उनके द्वारा बनी हुई हमारी धारणाएं, वो संस्कार हैं, वो एक हैबिट बन जाते हैं। संस्कार जो है वो एक हैबिट के रूप में आपसे वो भी कार्य करवाता है जो आपको नहीं करने चाहिए। तो ये संस्कार बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो जो अवचेतन मन है उसके अंदर सारे संस्कार हैं हमारे पिछले, और कुछ संस्कार ऐसे हैं जो हमें बुरे रास्ते पे ले जाते हैं, गलत रास्ते पे ले जाते हैं। अब सजेशंस द्वारा अगर हम अपने अवचेतन मन में कुछ बदलाव करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने वीडियो भी शायद बनाया है, इस वीडियो में भी थोड़ी जानकारी आपको मिलेगी। लेकिन एक मन का जो तीसरा स्तर है जिसको हम सुपर कॉन्शियस स्टेट के बोलते हैं, सुपर कॉन्शियस माइंड या ट्रांस स्टेट, वो तो इससे भी शक्तिशाली है। शायद आपने ये पहले ना सुना हो कहीं, ये आप सबने सुना है कि सबकॉन्शियस माइंड बड़ा पावरफुल है, लेकिन सुपर कॉन्शियस माइंड जो उससे भी ऊपर का स्तर है, चेतन से भी ऊपर का, जो ध्यान अवस्था में प्राप्त होता है जब आप मेडिटेशन करते हो, ट्रांस स्टेट में जाते हो, वो तो सबसे शक्तिशाली है। क्यों? कि अगर सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसे संस्कार पड़े हैं जो आपके चाहने पर भी चेंज नहीं हो रहे, उनमें बदलाव, अच्छा बदलाव नहीं कर पा रहे, तो सुपर कॉन्शियस स्टेट में जाके, मेडिटेटिव स्टेट में जाके ये बदलाव संभव है करना। तो सुपर कॉन्शियस जो लेवल है हमारे मन का वो तो अत्यधिक शक्तिशाली है। उसके बेस पे ही हम कहते हैं कि आप अपनी तकदीर के मालिक हो, क्योंकि आप कर सकते हो जो चाहो। अब हम बात करते हैं कि भाई अवचेतन मन जो है, सबकॉन्शियस माइंड, वो 24 घंटे 24x7 कार्यरत है। रात के समय जब आप नींद में होते हो, सो जाते हो, उस समय अवचेतन मन आपके शरीर में कार्यरत रहता है और आपके शरीर को हिलाना डुलाना, करवट बदलना, या जो आपकी रेस्पिरेटरी है, सांस लेते हो, सांस तो चलता रहता है ना, ये नहीं कि सो के से सांस बंद हो जाए तो मर जाओगे, वो सारे कार्य कौन करता है, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है। इसके साथ साथ वो कई बार पुरानी फाइलें खोल लेता है, जितनी इन्फॉर्मेशन पड़ी है अभी की या पुरानी को फाइल खोल लेता है, और दो तीन फाइलें मिक्सअप भी हो जाती हैं, वो फिर कई बार बड़े ट्रेजिक ड्रीम बन जाते हैं। और नींद की अवस्था में, गहरी नींद की अवस्था में, जैसे मैंने अपने और वीडियोस में भी बताया है, हम एस्ट्रल ट्रैवलिंग करते हैं, हमारा जो सूक्ष्म शरीर है शरीर से बाहर निकलता है, वो एक्चुअल एक्सपीरियंसेस भी करते हैं हम, वो ड्रीम्स के साथ मिक्सअप हो जाते हैं, ड्रीम अलग चीज़ है। तो सबकॉन्शियस माइंड रात के समय कार्यरत रहता है जैसे दिन में है। रात के समय अगर सोने से पहले हम अपने अवचेतन मन को कोई सजेशन दें, कोई आदेश दें, प्रतिदिन देते रहें, बार बार देते रहें,
तो वो अगर हमारे अवचेतन मन में चला जाए तो अवचेतन मन हमारा वो जो हम चीज जैसा हम चाह रहे हैं वो बदलाव करने में सक्षम है और करेगा, करता है। रात के समय सोने से पहले आप एक प्रार्थना है जो कि तिब्बत के महान संत श्री लोबसंग रामपा जी ने अपनी एक पुस्तक में दिया है, उन्होंने ये प्रार्थना बनाई। वो बड़े हाई लेवल के सेल्फ रियलाइज्ड संत थे जिनके बारे में मैं बता चुका हूँ। उन्होंने 19 किताबें लिखी जिनका मैंने बड़े गहन अध्ययन किया है, आज से नहीं, आज से 40 साल से भी ज़्यादा पहले से मैं उनकी पुस्तकों का ज्ञान जो है उसका अध्ययन कर रहा हूँ। और बड़े अनुभव हुए, बड़े रेयर अनुभव उनके द्वारा बताए गए मार्ग द्वारा उस पर चलने के कारण। तो ये जो प्रार्थना उन्होंने दी है बड़ी ही शक्तिशाली, मैं कहूँगा बहुत ही एक इफेक्टिव एफिशिएंट प्रार्थना है। प्रतिदिन कीजिए, ये नहीं कि एक दिन किया फिर छोड़ दिया, नहीं, रेगुलर। क्योंकि देखिए मैं थोड़ा समझा दूँ कि हमारे चेतन मन और अवचेतन मन के बीच में एक बैरियर है, एक रुकावट तो मैं नहीं कहूँगा, एक बैरियर। देखिए जैसे सड़क पे आप चलते हो तो सड़क पे बैरियर होते हैं ना, तो वो कंप्लीट रुकावट नहीं है, आप जा सकते हो। थोड़ा सा वो सड़क का हिस्सा ऊंचा उठा हुआ बनाया जाता है ताकि तेज़ गाड़ियां ना निकलें वहां से। तो वो जो बैरियर है वो चेतन और अवचेतन मन के बीच में है, उसका भी एक कार्य है। कोई और वीडियोज़ बनाऊँगा तो मैं समझाऊँगा क्यों है, किस लिए है। वो जो बैरियर है वो ध्यान की अवस्था में या जब आप शांत हो करके अपने जो आपकी इंद्रियां हैं उनको भीतर की ओर खींच करके आप अपना ध्यान अपने भीतर केंद्रित करते हो तो वो लेवल जो बैरियर है वो कम हो जाता है। तब आप कोई भी सजेशन, कोई भी अच्छा विचार अपने सबकॉन्शियस माइंड में भेज सकते हो। लेकिन रेपिटेशन ज़रूरी है क्योंकि वो बैरियर है ना, कम होता है लेकिन है, हमेशा है। तो इसलिए आपको ये नहीं कि आपने एक बार कोई बात अपने अवचेतन मन को कही और वहाँ उसमें चली जाएगी, जा भी सकती है लेकिन कम है ऐसे चांस, बार बार रिपीट करना पड़ता है। इसलिए मंत्रास जो हैं उनको भी रेपिटेशन के लिए बोला जाता है ना कि एक माला फेरो, दो माला फेरो, क्यों? ताकि वो इन्फॉर्मेशन जो मंत्र के अंदर है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सिंक कर जाए, अंदर चली जाए। रेपिटेशन जरूरी है। तो ये जो प्रार्थना है जो मैं आपको अभी पढ़ के बताने वाला हूँ ये तभी आपके अंदर कार्यरत होगी, इसके जो गुण हैं आपको प्राप्त होंगे अगर आप ये प्रतिदिन रात को सोने से पहले कीजिए, आखिर में कीजिए, ये प्रार्थना करने के बाद फिर सो जाइए, फिर और कोई कार्य मत कीजिए और किसी चीज़ पे विचार मत कीजिए। श्री लोबसंग रामपा जी की सभी पुस्तकें हैं, 19 पुस्तकें हैं, अंग्रेज़ी भाषा में हैं, तो ये प्रार्थना भी अंग्रेज़ी में है। मैं पहले अंग्रेज़ी में पढ़ता हूँ फिर मैं हिंदी में इसका अनुवाद करके आपको बताता हूँ। टू माई सबकॉन्शियस माइंड आई प्रे, कीप मी फ्री फ्रॉम ईवल थाट्स, कीप मी फ्री फ्रॉम द ब्लैकनेस ऑफ डेस्पेयर। एट द टाइम ऑफ माई मिजरी शाइन ए लाइट इन टू द डार्कनेस डैट एनश्राउड्स मी। Let my every thought be good and clean. Let my every action be for the good of others. Let me be positive in my thoughts, that my mind may be strengthened therefrom. I am the master of my destiny. As I think today, so am I tomorrow. Let me therefore avoid all evil thoughts. Let me avoid all thoughts which cause distress to others. Let my spirit arise within me, that I may easily succeed in the task so be it। अब हिंदी के अंदर मैंने अनुवाद किया है, हो सकता है बड़ा अच्छा अनुवाद ना हो लेकिन फिर भी अपनी तरफ से प्रयास है। मेरे अवचेतन मन को मेरी प्रार्थना, शांत होकर बैठ जाइए, ज्यादा तेज लाइट ना हो कमरे में, अंधेरा हो या सेमी लाइट हो, कम लाइट हो,
और शांत होकर अकेले में बैठ जाइए, अपने बिस्तर पर ही बैठ जाइए बेशक जहाँ आप सोते हैं, और आंखें मूंद करके अपने अंदर भीतर ध्यान को केंद्रित करते हुए ये प्रार्थना का उच्चारण करें। मेरे अवचेतन मन को मेरी प्रार्थना, मुझे बुरे विचारों से मुक्त रखो, मुझे निराशा के अंधकार से मुक्त रखो, मेरे कष्ट के समय मुझे घेरे हुए अंधकार में आशा की किरण डालो, मेरा प्रत्येक विचार अच्छा और स्वच्छ हो, मेरा प्रत्येक काम दूसरों के भले के लिए हो, मेरे विचार सकारात्मक हों ताकि मेरा मन सशक्त बने, मैं अपनी तकदीर का मालिक हूँ, मैं जैसा आज सोचता हूँ आने वाले कल को मैं वैसा ही हूँगा, इसलिए मेरे बुरे विचारों को मैं त्याग सकूँ, मैं ऐसे विचारों को त्याग दूँ जो दूसरों को परेशान करें, मैं आत्मिक प्रकाश में जागरूक हो जाऊं ताकि मैं आने वाले नियत कार्यों में सफल हो जाऊं, मैं अपनी तकदीर का मालिक हूं, ऐसा ही हो। तो ये प्रार्थना है, हिंदी के अंदर मैंने अनुवाद किया कि क्योंकि ये वीडियो हिंदी में है, जो मेरे साथी इंग्लिश भाषा में इतना कंफर्टेबल फील नहीं करते या नहीं जानते, उनके लिए ये प्रार्थना मैं यहाँ दे रहा हूँ। इस वीडियो को सुनिए, बार बार सुनिए, प्रार्थना को नोट कर लीजिए और प्रतिदिन रात को सोने से पहले इस प्रार्थना को 3 बार उच्चारण कीजिए, 1 बार नहीं 3 बार, धीरे धीरे समय लेते हुए, जल्दबाजी में नहीं, और प्रत्येक शब्द के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हुए कि भाई मैं क्या बोल रहा हूँ। ये नहीं कि आपका ध्यान कहीं और हो, फिर कार्यरत नहीं होगा। प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है, ये प्रेजेंट मोमेंट ही है जो के आपके पास ईश्वर द्वारा दिया गया एक ऐसा समय है जब अपने भविष्य को घड़ सकते हो अपने जैसा आप चाहते हो उसके मुताबिक। पास्ट तो बीत गया, भूतकाल तो गया, उससे तो हमें सिर्फ प्रेरणा लेनी है, सीखना है, उस पर ज़्यादा समय गंवाना नहीं है उसके बारे में। और भविष्य की बात अगर आप प्लान करते हो तो ये अभी प्रेजेंट मोमेंट है जिसमें आप जो भविष्य जैसा चाहते हो वैसा घट सकते हो। तो मेरे साथियों, उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए मतलब एक नई प्रेरणा लेकर आपके जीवन में नया बदलाव लेकर आएगा। इसको फॉलो कीजिए, और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।